कुछ बातें बोलने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी होती नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उन पैसों को कमाने के लिए किसी ने दिन रात एक कर दी हो ना, तो होता है। वो सिर्फ पैसे नहीं है, मेरी माँ की जिंदगी के 5 साल। मैं पता है, मैं 5 साल से रैंडम जॉब्स चेंज करती रही ताकि मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा पाई। करेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करती रही ताकि मैं काम भी कर सकूं साथ साथ। मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, अब तक तो वो गुंडे भी चले गए होंगे। ओके फाइन, मैं जहां भी जाना है थोड़ी देर बाद चली जाऊं, और मैं तुम्हें ले जाऊं। मेरे साथ चलोगे? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसे तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ दूंगा। और मैडम, ये शहर उतना भी सेफ नहीं है जितना तुम्हें लगता है। I don't get it, like, no, seriously. तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश करे उतने तो हो नहीं। तुमने अपने फ्रेंड को धोखा दिया, और जो इंसान एक इंसान को धोखा दे सकता है वो दूसरे को भी दे सकता है, राइट? जिस चीज के बारे में पता ना हो उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुमने जो देखा सो देखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर देखी चीज सही सच हो। अगर किसी चीज के बारे में राय बनानी है उसके बारे में पूरा पता करो, वरना राय बनाने की जरूरत नहीं। I'm sorry. मुझे पता है मैंने अनजाने में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। Actually, you're right. मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब किसी को अपने सगे भाई से इतना बड़ा धोखा मिले तो वो किसी और पे ट्रस्ट करने से भी डरेगा। अगर अगर एक इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों पे विश्वास करना बंद करो। Anyway, ये जो तुम सब कर रही हो ये तुम अपनी मॉम के लिए कर रही हो, और अगर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प कर सकूं तो मुझे लगेगा मैंने किसी अपने की हेल्प करी। बाकी तुम्हारी मर्जी। बप्पा, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये कैट और माउस का गेम में अपुन का टर्न है, और ये साला अक्षय ड्रग्स को तो यस बोला, मेरे को पैसे देने का टाइम नो बोला। देख आ गया ना मेरे शिकंजे में। ए बेबी, मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए रोकड़ा। चल जल्दी कर। भेजा मत सच्चा, पैसे देती है या तेरे भाई को यही खलास कर से। नहीं, अब सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। आज तो तेरे को तेरी बहन ने बचा लिया, पर फिर कभी पेड्रो के साथ ऐसा किया तो अखा गोवा तुझे बचा नहीं सकेगा। थैंक यू गोरी, तूने मुझे बचा लिया। मैं तेरा बड़ा भाई। जो बड़ा भाई? बड़ा भाई तो वो होता है ना जो उम्मीदें बांधता है। आपने तो हमसे हमारी आखिरी उम्मीद भी छीन ली भैया। आपको पता है मैंने और माँ ने कितनी उम्मीदें लगाई थी आपसे।
से आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद आप मेरे और माँ के नजदीक आने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मेरी बात सुनो, मुझे पक्का यकीन था कि तू मुझे बचा लेगी। मैं तेरा बड़ा भाई जो क्या कहा तूने? मुझे तो लगा था तुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। लेकिन तू तो ड्रामा भी बहुत अच्छा कर रहा है। आई यू ओके? तुझ पे ना ये कंसर्न सूट नहीं कर। आर्गुमेंट करने के मूड में नहीं बोला। ये लगा उसे जो भी लगा मुझे उससे कुछ नहीं करना। इतनी रात हो गई है तो इमी प्लीज गो होम। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि दो बड़ी बिजनेस फैमिली अब एक होने जा रही है। मेरे बेटे शिविन की एंगेजमेंट शिफाली कपूर की बेटी किया कपूर से होने जा रही है। मेरे बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया इन्होंने, तो मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आपका डिनर। मैडम ये आपके बेटे की फोटो है ना, उसकी शादी हो रही है। बधाई हो मैडम, मैं जानती हूँ आज आप बहुत खुश होंगी ना। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। खुश होने के लिए इतना तो जानना जरूरी है ना कि खुश किस बात के लिए होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये फैसला किस वजह से लिया गया है। इस बहुत हो गया। Hey princess, how are you? Mom, please not right now. I'm very upset. शिविन मेरा कल से फोन नहीं उठा रहा। I have a surprise for you. मैंने एक लिंक भेजा है तुम्हारे फोन में। क्या? What link? जरा देख लो। Mom. मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मेरे बेटे शिविन एंगेजमेंट शिफाली कपूर की बेटी किया कपूर से होने जा रही है। मॉम बाय। यस एनीथिंग फॉर यू प्रिंसेस। दिस इज ऑसम मॉम। पर शिविन के एंगेजमेंट के लिए वो तैयार हो गया? हाँ हाँ जाओ सेलिब्रेट करो। दिस इज ऑसम मॉम, ये आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। यू नो मैं शिविन को फोन करके बताना चाहती थी एंड सरप्राइज हिम कि आई एम हियर, बट नाउ आफ्टर दिस न्यूज़ आई एम गोना मीट ऑन माय ओन। शिविन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑफ कोर्स मॉम, मैं उसे बचपन से जानती हूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉम आई रियली लव हिम। मैं उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। ओके मॉम, आई एम गोना रश राइट नाउ। हैप्पी थैंक यू। तुम्हें सोचना है? चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं ऐसी ना कि जो किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे फोन में कूद जाऊंगी। मैं जा रही हूँ।